आप सभी का स्वागत है चैनल में जिसका नाम है इंडियन गेमिंग। तो आज इस वीडियो में हम एक नया गेम को ट्राई करने वाले हैं। आप सबके लिए तो नया नहीं है, हमारे लिए भी नया नहीं है। तो क्या है ये? तो टट्टी है। तो इस गेम को डेवलप किए हैं जेट सिंथेसिस। जब आपको याद होगा सचिन सागर गेम को खेले होंगे, हमने भी काफी सारे उससे रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं। तो इस गेम के जो डेवलपर है वही है जिस गेम का नाम है WWE रेसिंग शोडाउन। इस गेम को कवर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे जो चैनल पे ज्यादातर जो दोस्त है WWE गेम्स खेलना पसंद करते हैं। तो मैं सोचा यार इस गेम को भी क्यों ना कवर कर लिया जाए। फिलहाल ये गेम बीटा एक्सेस पे है, हालांकि इससे पहले काफी सारा वीडियो बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन 2021 में क्या इस गेम को हमें खेलना चाहिए या फिर नहीं, उसका डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है गेम प्ले के साथ। तो वीडियो कहीं भी पसंद आए, गेम प्ले पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और चैनल पे नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। आने वाले वीडियोस देखने के लिए नीचे रेड कलर का बटन है। तो चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो हम आ चुके हैं WWE रेसिंग शोडाउन के गेम प्ले में। जी हाँ, ये होम स्क्रीन आपको मिलता है। जो भी WWE सुपरस्टार आप यूज करोगे वो बाइक पे बैठा रहेगा, यानी बेसिकली रेसिंग प्लस एक्शन कैटेगरी का ये गेम है। तो जब आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने जाएंगे तो लगभग 600 MB आपका डेटा लगने वाला है। अंदर में कुछ डाउनलोड नहीं करना है। बीटा एक्सेस है तो कुछ भी रेटिंग या फिर कुछ भी रिव्यू इसका नहीं आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा यूजर को ये गेम पसंद आ रहा है या फिर नहीं। तो डिपेंड करता है आप इसे पसंद करते हो या फिर नहीं। रोस्टर की बात करें तो फिलहाल हम इस गेम को थोड़ा बहुत खेले हैं, 3 रोस्टर अनलॉक किए हैं, जिंदर महल, रोमन रेंस और रोंडा राउजी। मजा आया। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट मोड्स भी प्रोवाइड किया गया है। सबसे पहला है कैंपेन मोड। तो स्टार्टिंग में आपको कैंपेन मोड से स्टार्ट करना पड़ेगा, देन लेवल 7 पे जाके अनलॉक होगा मल्टीप्लेयर मोड। तो मल्टीप्लेयर मोड में बेसिकली ऑनलाइन प्लेयर्स होंगे, रियल टाइम में आपको उनको डिफीट करना है रेसिंग करके, फाइट करके। तो जब आप उस तक पहुंचना चाहते हैं तो इस गेम में आपको अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में जब आप अच्छा खासा सपोर्ट दिखाओगे, टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स का, तो इसका सेकंड पार्ट भी आपको प्रोवाइड करने की सोचेंगे। जी हाँ, सोचेंगे, क्योंकि यार काफी सारे गेम प्ले सीरीज अभी फिलहाल रनिंग पे है, यानी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फिर से हम जब एक नया गेम का सीरीज स्टार्ट करें तो मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। इसमें रॉयल पास का भी सिस्टम है, तो जब आप परचेस करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस गेम में, वो भी आप कर सकते हैं। तो इसमें फंडा है जो मुझे पसंद नहीं, एनर्जी का। तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। एनर्जी जब ड्रेन हो जाता है आपको अच्छा खासा वेट करना पड़ेगा। तो चैप्टर 1 के लगभग एंड तक आ चुके हैं हम। तो इसको जब हम जीतते हैं तो अच्छा खासा रिवॉर्ड्स भी मिलेगा। तो जिंदर महल के खिलाफ 3 प्लेयर है जिनका नाम है हॉल्क होगन, सेथ रॉलेंस, ब्रॉन स्ट्रोमैन, सब 700 पावर के साथ। लेकिन जिंदर महल का पावर आप देख रहे हो 2075। तो लगभग जीत सकते हैं इस मैच को, यानी इस रेसिंग को। तो चलो पहले गेम के लिए रेडी हैं। सिर्फ उड़ाएंगे, फिनिशर मूव यूज करेंगे, मनी इन द बैंक। थोड़ा मुश्किल है ये मोड। जिंदर महल, चलो ये हम बाइक पे बैठे। अरे ये रास्ते पे क्या पड़ा हुआ है? अच्छा बैरिकेड। ये सिंपल मूव, मनी मनी मनी। अरे गाड़ी भी आ रहा है देख के। आप मजा तो करने वाले हैं इस गेम को खेलने के टाइम। तो हमें मनी कलेक्ट करना है और कुछ नहीं। अरे ध्यान से, काफी सारा बाइक्स, काफी सारा बैरिकेड लगे हुए हैं। चलो अभी स्पीड अप करते हैं अपने बाइक को। 1010 मनी, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हम 1 पोजीशन पे है, इसी तरह हम मेंटेन करके रखेंगे। दो दो फिनिशर यानी मूव्स रेडी है तो हम यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। लेकिन पोजीशन होल्ड करना है, मेन बात वही है। मत करो, रन लो, थक्का मुक्के नहीं करना है। अरे निकल गया एक सेथ रॉलेन, रुक जा, हमारे लिए रुक। अब यूज करेंगे मूव। अरे यूज हो जाए यार, हमें यूज कर दिया नहीं, खलाश सेथ रॉलेंस को खलाश कर दिए। कुछ भी। फर्स्ट पोजीशन हॉल्क होगन को मारते हैं। ये रहा, देख रहे हो गाड़ी में ऐसे स्टंट दिखाना नामुमकिन जैसा है। तो घर में बिल्कुल ट्राई मत करना, ना ही रोड पे ट्राई करना। पोजीशन वन। इसी तरह से आगे बढ़ते चलो।
ये जीते हम, जिंदर महल के जा रहे हो। तो जीतने के बाद हमें ये सब रिवॉर्ड्स मिले हैं जो हम सुपरस्टार को लेवल अप करने के लिए यूज कर सकते हैं। आखिरी जो बॉस फाइट स्टेज का वो काफी डेंजरस होने वाला है, तो ये हमारा लास्ट मैच होने वाला है, तो इसके बाद तो आपको पता चल जाएगा इस गेम को आपको डाउनलोड करना चाहिए 2021 में या फिर नहीं। नहीं। तो रैम्पेज, रोमचर रैम्पेज, तो अलग अलग मोड भी आप खेल सकते हैं इसमें। अपना जो बाइक है उसको मेंटेन करके रखना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब मैचेस में यूज़ करते हैं आपका बाइक ख़राब हो सकता है, उसको आपको रिपेयर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेट्रोल ने गया काम से, इसको भी डाल देंगे आराम से। हेल्थ ड्रेन रीएक्टिवेट, ये ले तेरी, तो उसको मारे आगे कैसे निकल गया यार। अब यूज करेंगे हमारा स्पेशल मूव, अरे पकड़ ले, पकड़ यार, बीच में से क्यों निकल रहा है, ये ले लात खा। शेत्रोले तू बहुत गड़बड़ कर रहा है, तो खलास खा ले। एलिमिनेट हो गया शेत्रोले, अपने आप हेल्थ ड्रेन हो रहा है, तो ध्यान से कहीं धक्का नहीं मारना है, पीछे कोई आ रहा है, पोजीशन वन पे हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं है, बूस्ट मारते हैं। जिंदर महल गाड़ी को संभाल अच्छे से, ऑफ रोड मत जाओ, उड़ते हैं। अभी स्टंट देखो जिंदर महल का, ये और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में, बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा, गाड़ी अकेले जा रहा है, प्लेयर्स नहीं है उसमें। बूस्ट, लॉन्ग ड्राइव में चलते हैं अभी खलास के साथ, जिंदर महल के साथ। लेकिन यहां हम मार्कलर्स फिनिश किए हुए हैं और इस मैच को जीते हैं 2 मिनट के अंदर। तो इस तरह से इस गेम को आप खेल के एंजॉय कर सकते हो। ये हमारा शायद तीसरा गेम प्ले रिव्यू है WWE रेसिंग शोडाउन का, फिर भी यार आप लोग एंजॉय किए होंगे तो डाउनलोड करके बता सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग गेम प्ले एंजॉय किए होंगे, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताओ 10 में से इस गेम को आप कितना रेटिंग देना पसंद करोगे। मेरे से पूछा जाए तो गेम काफी अच्छा है, लेकिन जो इसका एनर्जी का फंडा है ना, हर गेम में जो भी एनर्जी का फंडा रखते हैं, मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं आता है, क्योंकि यार जब खत्म हो जाता है हम एंजॉय उसे नहीं कर पाते हैं। तो फिर भी यार आप अपने हिसाब से कमेंट करके बता सकते हो ये गेम आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जब आप इस गेम को डाउनलोड करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड कर सकते हो। उसके साथ साथ चैनल पे नए आए हो, कहीं से भी टपके हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बहुत ईजी है, इस लोगो बटन को दबाना है सिर्फ। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक फ्रेश एंड फाइन एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।